So today we will start perimeter and area. So what is perimeter? So the perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure. It's called perimeter. Okay. So first parameter to find parameter of a square. Parameter of a square is the formula. Yes, Yashaswini, you are correct. So anyone tell this? What is the formula? What is the answer of this? 36. Yes, okay, correct. 4 into 9. Now we start parameter of a rectangle. The formula of finding parameter of a rectangle. Yeah, Ishan, you can tell. 2 into L plus B. Yeah, correct. बहुत सही बताया. तो कोई मुझे बी वाले का आंसर बताएगा? मैं बताऊं ऋषित? हाँ ऋषित करोगे? हाँ सर ज़ूम कर दीजिए. हाँ 28 meter. हाँ बिल्कुल करेक्ट है. तो व्हाट इज एरिया? एनीवन कैन टेल व्हाट इज एरिया? Under is covered by a figure is known as its area. Yeah, correct, Lakshya. One second, we the parameter of a circle is called? Anyone can tell? Circumference. Circumference. हाँ बिल्कुल ठीक बताया. तो मेरे को एक और चीज बतानी है. ट्राइंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए जो सम ऑफ फोर साइड्स हाँ, पर उसको फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है. वो है फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वी कैन फाइंड इट 3 into लेंथ ऑफ अ साइड. Yeah, पर एक और होता है, वो दूसरे उसके लिए होता है 1/2 into base into height. ये भी होता है एक. ये वाला वापस समझा दीजिए. ये एरिया के लिए होता है शायद से. हाँ ये एरिया के लिए होता है. मेरे को मैंने वही तो बोला था. मैंने गलत बोल दिया होगा. ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए ट्राइंगल का तो हमें ये यूज करना पड़ता है. और ये वाला मेथड समझाइएगा क्या? अरे आपने जो बोला ना, ये वाला मेथड आप समझा दीजिए कैसे करते हैं. हाँ मैं वो समझा दूंगी, मैं वो लास्ट में समझा दूं तो चलेगा? हाँ ठीक है. ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कोई मुझे बताएगा? लेंथ और एरिया के लिए एल लेंथ इनटू ब्रेथ. हाँ तो स्क्वायर के लिए यूज होता है एरिया साइड इनटू साइड. तो कोई मुझे बताएगा डी वाले का आंसर? 25 square inches. Yeah, correct. कोई मुझे इसका बताएगा, ये वाला जो है पेरीमीटर और एरिया? पेरीमीटर की एरिया, इसका एरिया बताना है. 48 meter square. 48 meter square. 48 meter square.